अप्पू जी, हाँ चाय ठंडी हो रही है। अप्पू आप बहुत परेशान हैं। बेटा, इंसान परेशानियां अपने साथ लेकर पैदा होता है, जो जिंदगी के रास्ते में उसे टकराती रहती है। कभी इंसान हार जाता है, कभी परेशानी हार जाती है। क्यों ना हम मिलकर परेशानियों को शिकस्त दें। कोशिश करेंगे। मुझे आपको असित भाई से बात करनी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? दूल्हा भाई के बात करने में और आपके बात करने में बहुत फर्क है। असित भाई आपकी बात समझ जाएंगे क्योंकि क्योंकि आप अपनी बेटी के लिए बात कर रहे होंगे। अबू जी, ये कुत्सी आप ही के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है। आपको भी असित भाई बहुत पसंद आए। अब वो एक जरा सी बात की वजह से रिश्ता तो नहीं खत्म कर सकते। अबू जी, कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं। कोशिश की थी ना बेटा, बात की थी शाहनवाज ने उसे, उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी। दूल्हा भाई ने बात की थी, आपने नहीं। जो आप हमारे लिए कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। आप एक दफा असद भाई से मिलिए तो सही, उनसे बात करके देखें। बेटा तुम समझ नहीं रही हो, इस बारे में बात करने के लिए असद के पास मेरा जाना मुनासिब नहीं है। क्यों अब्बू जी, इसमें क्या हर्ज है? बेटी का बाप हूं मैं। बेटी का बाप होना कोई शर्मिंदगी की बात तो नहीं है? आप तो खुद कहते हैं कि आपको हम पर फख्र है। हाँ, फखर है मुझे। मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे चार रहमतों से नवाजा है। बेटा, ये माशरा, इसके तौर तरीके अपने हैं। नहीं बेटा, अपनी बेटी के बारे में किसी को रिश्ते के लिए कायल करता बाबा अच्छा नहीं लगता। तो आप उसे भाई से बात नहीं करेंगे? नहीं, यही ठीक है।